मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। आज है वेंसडे, आज है वेंसडे मॉर्निंग। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने प्रोजेक्टाइल, इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ा रहे थे, प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे थे। और प्रोजेक्टाइल में क्या क्या पढ़ा दिया देखो, रेंज मैंने फाइंड आउट करा दिया, मैक्सिमम हाइट मैंने फाइंड आउट करा दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने फाइंड आउट करा दिया। अब सिंपल वाले क्वेश्चन है जिसमें रेंज का वैल्यू पुट करो, मतलब वैल्यूज पुट करो, ऑप्शन आपको रेंज का आंसर मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको नहीं सॉल्व कराने वाले, ये वाले क्वेश्चन आपको सिंपल फॉर्मूला देखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। आज हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आसान चैप्टर, आसान है। देखो ये जो चैप्टर है ना, अगर तुमने ढंग से फॉर्मूला समझा है, ढंग से फॉर्मूला का डेरिवेशन समझा है, तो बहुत ही ईजी लगेगा, नहीं तो फिर परेशान रहते हैं लोग। ठीक है, तो समय रहते हुए क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने देखा है अभी भी लोग वेक्टर्स में फंसे हैं, अभी भी लोग वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 1 महीना हो चुका है भाई साहब, वेक्टर्स खत्म करेंगे और वापस से आएंगे काइनेमेटिक्स में। वेक्टर्स इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने काइनेमेटिक्स से आएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, अब स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। तो मैं क्या हो जाऊंगा, अब मैं हो जाऊंगा गायब और आ जाएगा एक अब आ जाएगी काली सी बोर्ड। ठीक है, तो अब मैं नहीं दिखूंगा, अब दिखेगी काली सी बोर्ड। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस काली बोर्ड। यो, अब यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड आ गया है। तो आज क्या करना है, आज हमें बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो चैप्टर है ना, इसमें मैं आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा स्क्रीन पॉज करता हूँ और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल, तो क्या कैलकुलेट करना है, एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। कंडीशन क्या दिया है इन्होंने, शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का, will be equal to half of its maximum value। अच्छा, जो horizontal range होना चाहिए वो range के maximum value का half होना चाहिए। तो range का maximum value कब होता है, range का maximum value होता है जब theta, जब angle of projection 45 होगा, तब range का value maximum होता है क्या। अब question के according ये बोला गया है, ये question ये पूछ रहा है कि जो range है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहे जिससे रेंज का वैल्यू मैक्सिमम रेंज के आधा आ जाए, ऐसा ही कुछ बोला गया। अच्छा, अब थीटा इक्वल्स टू 45 पर हमने देखा था, कल हमने देखा था कि थीटा जब 45 होता है तो रेंज का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला था क्या रेंज का। अब अगर मैं थीटा को अगर मैं 45 रख दूं, तो 2 थीटा का वैल्यू 90 आ गया। अब अगर 2 थीटा 90 आ गया, इसका मतलब रेंज का मैक्सिमम वैल्यू जो है, वो आ जाएगा यू स्क्वेर साइन 90 अपॉन जी। तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब क्वेश्चन के आप स्क्रीन को पॉज करके ये सब लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी है तो मैं बार बार इरेज करता रहूंगा। अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेंज हमारे पास आना चाहिए वो मैक्सिमम का हाफ होना चाहिए। इसका मतलब जो रेंज का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में चाहिए मैक्सिमम का हाफ, तो मैक्सिमम था यू स्क्वायर अपॉन जी, इसका हाफ मतलब 2 से और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रेंज जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में उसका वैल्यू होना चाहिए यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये रेंज हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए। अच्छा, किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे जो रेंज होता है, हम क्या जानते हैं, रेंज का फॉर्मूला ये होता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब किसी भी इंस्टेंट पे रेंज का फॉर्मूला ये है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेंज जो चाहिए वो यू स्क्वायर अपॉन 2g का चाहिए। अब अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, यहाँ पे रेंज का मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया और ये रेंज का फॉर्मूला था, तो इसको अगर मैं यू स्क्वायर अपॉन
2g से इक्वेट कर दो तो ये u स्क्वायर जी कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन टू थीटा जो है वो 1/2 के इक्वल आ रहा है ना। अब इसको ना आप ऐसा लिख सकते हो, या तो अभी के लिए आप आंसर यहीं पे छोड़ देना, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल जो है 2 थीटा जो है उसको लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2। अब ये कैसे लिखा सर आपने, तो मान लो ऐसा समझो कि साइन को उधर भेज रहे, तो साइन को उधर भेज रहे तो क्या हो जाएगा, 1/sin के जैसा कुछ होगा क्या, इसलिए मैंने साइन इनवर्स लिख दिया, साइन इनवर्स 1/2। अब यहां से इसका मतलब थीटा क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये आंसर है। बात समझ में आया क्या। अब ये 1/2 और ये 1/2 को आपस में नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं कि सर ये हाफ को इधर अंदर हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, नहीं गलत है, साइन इनवर्स हाफ में हाफ मल्टीप्लाइड है, ऐसा है हमारा आंसर। ठीक है, तो थोड़ा टफ कैलकुलेशन हो गया लेकिन आप देखोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ये बोला कि जो मैक्सिमम रेंज हो सकता है उसका आधा अगर रेंज का वैल्यू है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्या वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने क्या किया, सॉल्व किया। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना एक रिलेशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ATQ के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि जो रेंज है वो 2√3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, एच मैक्स के, ये बोल रहे हैं क्या। अब बोला गया है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो बहुत ही आसान है, देखते हैं रेंज के प्लेस में क्या लिख सकते हैं। रेंज के प्लेस में ये लिख सकते हैं क्या, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा को मैं ऐसा लिख देता हूँ, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ये लिख सकते हैं 2√3। एच मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास रेंज और एच मैक्स का फॉर्मूला है। अब जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कैंसिल कर दिया, जी से ये जी कैंसिल कर दिया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, साइन थीटा से ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं कॉस थीटा वाले टर्म को उधर भेज दूं, तो देखो यहाँ पे पहले से साइन थीटा है, कॉस थीटा अगर डिनोमिनेटर में आया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर पहले से एक 2 था और एक √3 और आ जाएगा, इसका मतलब ये आ गया कि ऐसा टैन थीटा जो है वो 2/√3 के इक्वल आ रहा है, तो थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा को लिख देंगे टैन इनवर्स 2/√3, इससे ज्यादा नहीं सॉल्व करना होता है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह के रेंज और मैक्सिमम हाइट वाले क्वेश्चंस होंगे, अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अच्छा एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो भी बता देता हूँ, अगर आप प्रोजेक्टाइल को नोटिस करोगे ना तो प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी भी हाइट पर, किसी भी एक हाइट पर 2 बार आता है क्या। क्या बोल रहे हो सर, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आंखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कुछ तो एंगल पर हमने क्या किया था, पार्टिकल को फेंका था, मान लो कुछ एंगल थीटा पर पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ तो वेलोसिटी इसको हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर उसका एक कंपोनेंट इधर आता है ये हो जाता है यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आता है जो होता है यू साइन थीटा। अब अगर आप देखोगे ना तो मैं किसी भी हाइट पर प्रोजेक्टाइल जो है वो 2 बार है, देखो तो ये वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब तो हाइट है, तो मान लो ये कोई एच हाइट है, ये कोई एच हाइट है ग्राउंड से, तो एक बार पार्टिकल जाते वक्त भी है इस पॉइंट पर और एक बार वापस जब गिर रहा होगा तब भी है क्या, तो किसी भी हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल है वो 2 बार आ रहा है क्या, एक्सेप्ट फॉर एच मैक्स, एच मैक्स के अलावा
पार्टिकल जो है वो किसी भी हाइट पर दो बार आएगा, देखो एक बार ऊपर जा रहा है तब ये हाइट को क्रॉस करेगा और एक बार जब नीचे आ रहा है तब ये हाइट को क्रॉस करेगा। अब मान लो ऐसा बोलते हैं कि जब पार्टिकल ये पहली बार जब आ रहा था, ठीक है, जब पार्टिकल ऐसा है, क्या बोलते हैं क्वेश्चन ये बोलते हैं, इफ क्वेश्चन है या कंसेप्ट है जो भी है, इफ पार्टिकल इज एट द सेम हाइट, इफ पार्टिकल इज एट द सेम हाइट ट्वाइस देन फाइंड द रिलेशन, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टाइम, बिटवीन द टाइम वेन दे आर एट सेम हाइट, वेन दे आर एट सेम हाइट। ठीक है, हमें क्या करने बोला गया है, अगर पार्टिकल किसी भी हाइट पर दो बार आ रहा है, अगर पार्टिकल किसी भी हाइट पर दो बार आ रहा है तो ऐसा मान लेते हैं कि पहली बार जब ये इस हाइट पर आया था तो कोई T1 टाइम पर था और जब ये दूसरी बार आया तो कोई ये T2 टाइम पर है। तो इफ पार्टिकल इज एट अ सेम हाइट ट्वाइस देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टाइम व्हेन दे आर एट द सेम हाइट, तो ये T1 और T2 के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब बहुत ही आसान है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम निकालेंगे ux, ux कितना है तो u cos थीटा, फिर देखेंगे uy, uy कितना है तो u sin थीटा, फिर ax, ax कितना है 0, फिर ay, ay कितना है, ay हमारे पास है माइनस g, ay का वैल्यू क्या है माइनस g। ठीक है, तो यू एक्स है यू कॉस थीटा, यू वाई लिख दिया, ए एक्स लिख दिया, ए वाई लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या जानता हूँ या हम क्या जानते हैं, आप भी जानते होंगे, शायद मैंने इसे पहले वाले लेक्चर में बता दिया तो आप भी जानते होंगे। अब तो किसी भी इंस्टेंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता था वो होता था यू साइन थीटा इंटू टी माइनस में हाफ जी टी का स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता था वो ये होता था। अब अगर पार्टिकल एच हाइट ऊपर है, अगर पार्टिकल एच हाइट ऊपर है तो वाई के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एच, स्मॉल एच को ऐसा लिख सकते हैं क्या, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी का स्क्वायर। बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने लायक बनाते हैं इसको, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2h इक्वल्स टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आया मेरे पास, ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को हम देखते हैं, इक्वेशन क्या आया हमारे पास, इक्वेशन माइनस जी टी स्क्वायर वाले टर्म को अगर मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊं, 2u साइन थीटा वाले टर्म को अगर मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊं और 2h को जहां पर है वहीं रहने दूं तो इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टाइम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है क्या, टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे को टाइम के दो वैल्यूज मिलेंगे ना। अब जो टाइम के दो वैल्यूज मिलेंगे ना वही क्या हो जाएगा, T1 और T2 के वैल्यूज होंगे। देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है, हम क्या जानते हैं टी इक्वल्स टू, यहाँ से अगर टी का वैल्यूज फाइंड करना होता तो माइनस बी, माइनस बी मतलब क्या है, माइनस ऑफ माइनस 2u साइन थीटा लगाते, माइनस बी प्लस माइनस, प्लस माइनस के बाद रूट ओवर ऑफ, रूट ओवर ऑफ बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 4, a के प्लेस में है g और इसके प्लेस में कितना है ट्वाइस ऑफ h। इस पूरे को डिवाइड करना होता था, इस पूरे को डिवाइड करना होता है 2 टाइम्स ऑफ a से, तो 2g से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। अब अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो ये जो इक्वेशन है,
ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टू यू साइन थीटा प्लस माइनस, इसको भी हटा देते हैं, जिसका जरूरत नहीं उसको हटा ही देते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई साहब, नहीं तो मत बोलना कि सर हम तो लिख ही नहीं पाए। रूट ओवर ऑफ यहां पर हो जाएगा फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ एट इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ जी। अब यहां से टाइम के दो वैल्यूज मिलेंगे ना, पहला टाइम जो होगा वो कम वाला टाइम होगा, कम वाला टाइम मतलब टू यू साइन थीटा में कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो पहला टाइम t1 हो जाएगा 2u sin थीटा माइनस में माइनस में क्या हो जाएगा 4u square sin square theta माइनस 8gh होल डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ g। ये पहला टाइम हो जाएगा t1 का वैल्यू। उसी तरह से अगर मैं t2 का वैल्यू फाइंड आउट करूं, अगर मैं t2 का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो t2 प्लस वाला टाइम हो जाएगा 2u sin थीटा प्लस रूट ओवर में 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 8gh डिवाइडेड बाय 2g। अब अगर आप t1 का देखो, मैंने दोनों टाइम कैलकुलेट कर लिया, t1 एक हाइट पर पार्टिकल दो टाइम पर होता है, उसमें से एक को मैंने t1 मान लिया, दूसरे को मैंने t2 मान लिया। अब ऐसे सोचोगे सर ये तो कितना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअल में नहीं होगा, जब आप फॉर्मुलाज में जब आप इसको क्वेश्चंस में देखोगे तो 4u sin square theta ये सब तुमको लग रहा है सर ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सब वैल्यूज आसान हो जाएंगे जब तुमको न्यूमेरिकल्स पता होगा, थीटा का वैल्यू पता होगा, यू का वैल्यू पता होगा, तो ये आसान हो जाएगा। ऐसे भी अपने को रिलेशन फाइंड करना है, दोनों टाइम को अगर तुम ऐड करोगे ना, मान लो दोनों टाइम्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो जितना ये नेगेटिव उतना ये पॉजिटिव, तो वो कैंसिल कर देंगे क्या? तो अगर मैं t1 प्लस t2 अगर ऐड करूं तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच रहा है 2u sin theta प्लस 2u sin theta, थोड़ा स्पेस लेके लिखते हैं, काम क्यों नहीं करता यार। t1 प्लस t2 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसका 2u sin theta, 2u sin theta प्लस इसका 2u sin theta, 2u 2u 2u, और LCM कितना है, LCM 2g का है। अब t1 plus t2 अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा t1 plus t2 जो है वो आ जाएगा 2u sin theta upon g। अब ये जो t u sin theta upon g है सर, ये तो कहीं देखा है ये फॉर्मूला, ये टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी हाइट पर पार्टिकल दो टाइम पर आता है, ठीक है, टी वन और टी टू मान लेते हैं, और वो जो टी वन टी टू का सम होता है वो टाइम ऑफ लाइट के इक्वल होता है, ये नोट डाउन करके लिख लेना। जो भी मैंने भी स्टेटमेंट बताया है, स्टेटमेंट क्या बताया, किसी भी टाइम पर या किसी भी हाइट पर प्रोजेक्टाइल दो टाइम पर आता है और उन दोनों टाइम का जो सम होता है वो टाइम ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, जो भी है आप उसके जैसा क्या करोगे, याद कर लोगे या लिख लोगे। अब हम इसमें क्या करते हैं ना, कुछ फॉर्म्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता तो दिया है, लेकिन मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे कोई क्वेश्चन ही सॉल्व कराया था, ठीक है। आज क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखना है अपने को, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अच्छा होता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री से पहले वाले लेक्चर मैंने फाइंड आउट करा दिया था और मैंने बता भी दिया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री का मतलब क्या है। अब वाई और एक्स में जो रिलेशन होता है उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री बोले थे। ऐसा कुछ आया था, वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई रिलेशन आया था क्या, y equals to x tan theta minus half g x square u square half g x square upon u square cos square theta। मैंने बोला था कि ये याद रख लेना ऐसा कि लोगों से मिलते जाते भी क्या करेंगे, ये equation of trajectory लोगों को बताएंगे, ठीक है, कि अरे equation of trajectory नहीं जानते, लो सुनो, x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta। सब्जी वाले के पास सब्जी लेने के बाद बोले भाई कि equation of trajectory जानते हो, पहले उसे पूछो ना equation of trajectory जानते हो, वो बोलेगा क्या बता रहे हो सर, तो बोलेगा कि नहीं जानते, तो सुन लो x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta, ठीक है। किसी के पास भी जाओगे
तुम जाओगे किसके पास? ऑटो रिक्शे वाले के पास जाओगे, उसको ही बोलना। हाँ तो वाई इक्वल्स टू एक्स टाइम थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास वाई और एक्स में रिलेशन आ गया, जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजिक्ट्री हम बोलते हैं। अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजिक्ट्री के ना कुछ और भी फॉर्मेट्स हैं जिसपे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे फॉर्मेट्स हैं। मैं इसमें क्वेश्चन करा दूंगा, पहले और फॉर्मेट्स देखते हैं। और फॉर्मेट्स में ना और फॉर्मेट्स लाने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ता है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इसका कोई आंसर नहीं, कोई रीजन नहीं है, आपको बस ये फॉर्मेट याद रखना है। ये जो मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना, और डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या है, डिवाइडेड बाई है मेरे पास यू स्क्वायर। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा इंटू एक कॉस थीटा मैंने दूर भेज दिया है, कहीं फेंक दिया उसको, मतलब कहीं पर है, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, ये वाले टर्म पर साइन थीटा से कर देते हैं मल्टीप्लाई और साइन थीटा से कर देते हैं डिवाइड। ये एक्स था, ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा, सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन डिविजन अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है सर। फिर और क्या करेंगे, क्या करते हैं, जी से कर देते हैं डिवाइड और जी से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये भी अलाउड है सर, बिल्कुल अलाउड है। अब ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा करते ही, अब बोलोगे इसका सर क्या रीजन है, क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा करते ही मेरे को यहां पर रेंज का ये टू जो है ना, ये टू को इधर लिख देते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। तो बोलोगे सर क्या लिख दिया आपने, ये जो टू है इस टू को मैंने कैंसिल करके यहां पे लिख दिया। अब ये पूरा टर्म देखो, ये पूरा टर्म रेंज का फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल सर जी, रेंज का फॉर्मूला है। तो मेरे पास जो इक्वेशन था वो कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना। अच्छा और क्या कर सकते हैं, ये जी को इस जी से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स टैन थीटा माइनस में एक्स स्क्वायर, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो, तो टैन थीटा लिख दिया और टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन जी को पूरे को लिख देते हैं रेंज कैपिटल आर। अब अगर देखोगे तो एक्स टैन थीटा का टर्म इधर भी है, एक्स टैन थीटा का टर्म इधर भी है, दोनों से क्या करना है, दोनों से आप एक्स टैन थीटा बाहर निकाल देना। अगर आपने दोनों से एक्स टैन थीटा का टर्म बाहर निकाल दिया, इससे एक्स टैन थीटा बाहर गया तो यहां पर आ गया वन माइनस में एक्स एक्स स्क्वायर टैन थीटा में एक एक्स चला गया, टैन थीटा चला गया तो एक एक्स तो रिमेन करेगा ना, तो एक्स अपॉन आर। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपने को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक तो ये इक्वेशन याद रखना है और एक ये इक्वेशन याद रखना है, दोनों इक्वेशंस को मिला के अभी हम बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। रिलेशंस याद रहेगा तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, नहीं तो मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, देखो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया, ठीक है, एक दूसरे फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। अब इस फॉर्मेट पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि कोई पोल है, कोई पोल है ऐसा, और इस पोल से, ये जो पोल है ना, इस पोल के फुट से, फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फुट ऑफ द पोल से ए डिस्टेंस आगे, ऐसा ही बोल रहे हैं ना, फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये पोल था तो पोल के फुट से ए डिस्टेंस पर हमने एक पार्टिकल को फेंका है, कितने एंगल से फेंक रहे, इसको फेंकना है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें रखना है 45 डिग्रीज का, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर कितना रखना है 45 डिग्री से हम क्या करने वाले हैं, पार्टिकल को फेंकने वाले हैं। विच जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द पोल, विच जस्ट टचेस, अब ये इसका मोशन कैसा हुआ, इसका जो ट्रेजेक्ट्री का पाथ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द पोल, ये बोल रहे ना,
thrown at an angle of 45 degree just touches the top of the pole, top of the pole को just touch करके pass करेगा and strike the ground at a distance of b on the other side of it. और ये क्या करेगा है? यहां से आगे गया 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 और कितना दूर और चला जाएगा? b distance और चला जाएगा. देखो लिखा है which just touches the top of the pole, pole के top को just touch कर रहा है and strikes the ground और वो वापस ground को चला जाएगा at a distance of b. अब on the other side find the height of the pole. ये जो pole है, मान लो pole का height कुछ h है, ये हमें calculate करना है. ठीक है, speed speed कुछ नहीं given, तो मान लेते हैं u let. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोलोगे सर ये जो question है ये h यहाँ पर maximum height है क्या? नहीं, नहीं बोल सकते. जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि h मैक्सिमम हाइट है तब तक नहीं मान सकते. अगर h हमें नहीं पता कि h मैक्सिमम हाइट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये कोई भी नॉर्मल सा हाइट है, कोई भी नॉर्मल सा हाइट है, मतलब प्रोजेक्टाइल ऐसा होता था, तो कोई भी नॉर्मल सा हाइट है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का लेंथ है ए और यहाँ से यहाँ का लेंथ है बी. बिल्कुल अच्छा. एक चीज तो श्योर है कि हम रेंज को ये लिख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को देख के हम रेंज का वैल्यू क्या बता सकते हैं? रेंज के प्लेस में ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या? पार्टिकल यहाँ से ए चल रहा था और फिर जब वो उधर चलेगा पोल के दूसरे साइड वो बी चल रहा है, तो रेंज का वैल्यू ए प्लस बी है. अच्छा, और हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या देखा है? हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये देखा था, वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर. अब बोलोगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाना है यहाँ पर, मतलब मैं कैसे पहचानूंगा कि क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व करना है? तो जब भी देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, जैसे देखो ए पता है, जैसे अगर मैं इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसका इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ए, और इसका वाई कोऑर्डिनेट एच है क्या? जब भी क्वेश्चन में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन होगा तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करना है. अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? एच, एच का वैल्यू फाइंड आउट करना था. अब ये वाला फॉर्मेट क्यों यूज कर रहे हो? अब बोलेंगे सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक और फॉर्मूला x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वो वाला फॉर्मेट क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चन में देखो, अब अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को देखू ना, तो वाई के प्लेस में, वाई के प्लेस में एच रखना पड़ेगा, एक्स के प्लेस में, एक्स के प्लेस में ए रख सकते हैं क्या? अगर ये ओरिजिन है तो एक्स के प्लेस में ए रख सकते हैं, और रेंज के प्लेस में, रेंज के प्लेस में हम ए प्लस बी रख सकते हैं क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इतना इंफॉर्मेशन अपने पास पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर का फॉर्मूला यूज करेंगे. अब फिर से बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत ज्यादा तो आप ऐसा समझो कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला का याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला यूज करना सूटेबल है, वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर. अब एक एक करके ना सब वैल्यू पुट कर दो. वाई के प्लेस में पुट कर दिया मैंने एच, इक्वल्स टू एक्स के प्लेस में मैंने पुट कर दिया ए, थीटा का वैल्यू उन्होंने दिया था 45 डिग्री, तो टैन 45 वन होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, वन माइनस फिर से एक्स के प्लेस में ए रख दिया और आर के प्लेस में ए प्लस बी रख सकते हैं क्या? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एच हो जाएगा ए, ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, प्लस ए माइनस ए से कैंसिल आउट कर देंगे, अगर प्लस ए माइनस ए से अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एच इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि ये मैक्सिमम हाइट है तब तक अपने मन से मैक्सिमम हाइट नहीं मान सकते. सर कैसे पहचान करेंगे कि मैक्सिमम हाइट है? मैक्सिमम हाइट का पहचान क्या होगा? वहां पे अगर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो गया है तो वो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है? या आप ऐसा बोल दो कि वो टाइम ऑफ उसका जो वेलोसिटी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है तब वो मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का एक और पहचान है, मैक्सिमम हाइट का एक और पहचान क्या है? मैक्सिमम हाइट में अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी जो होता है वो यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. मैक्सिमम हाइट वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर यू कॉस थीटा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. मतलब मैक्सिमम हाइट पे, एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है.
इस तरह से भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर है, उस टाइम पर क्या करो, उस टाइम पर उस टाइम का एक्स बता दो, उस टाइम का वाई बता दो, इस तरह क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैं स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट अ डेफिनेट एंगल अल्फा, पार्टिकल को किसी एंगल अल्फा से प्रोजेक्ट किया है टू द हॉरिजॉन्टल, पासेस थ्रू ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए। ऐसा बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल था जिसको हमने क्या किया, अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, कोई पार्टिकल था जिसको अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो कुछ इस तरह का पाथ होगा। अब वो क्या कर रहा है, वो जब मूव कर रहा है टू द हॉरिजॉन्टल, पासेस थ्रू ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, ये क्या कर रहा है, दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक तो पॉइंट है ए कॉमा बी और दूसरा पॉइंट है बी कॉमा ए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, और कुछ नहीं बताया उन्होंने, और उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने ये बताया ये जो पार्टिकल है वो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दो पॉइंट से वो क्या करेगा, पास करेगा, और कुछ नहीं मेंशन है। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, एक तो हमें रेंज का वैल्यू कैलकुलेट करना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपने को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर फिर से जब भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात किया जाए तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करेंगे क्या, तो क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का कौन सा फॉर्मेट, सीधा सीधा पता चल रहा है, रेंज कैलकुलेट करना है तो जो रेंज वाला फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का वही यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं, जो फॉर्मेट था वो क्या था, वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, ये फॉर्मेट है क्या, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो पार्टिकल है ये जब चल रहा था तो एक बार इसने ए कॉमा बी को क्रॉस किया और दूसरी बार इसने बी कॉमा ए को क्रॉस किया। जब ये ए कॉमा बी पर है, जब ये ए कॉमा बी पर है तो वाई के प्लेस में बी रख दिया, एक्स के प्लेस में ए रख दिया, थीटा क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा गिवन है टैन, टैन अल्फा वन माइनस एक्स, एक्स कितना था, एक्स यहाँ पर है ए डिवाइडेड बाई आर। इस बार रेंज का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेंज पता था, डायग्राम को देखा था, ये इक्वेशन वन है। अगर b, a के बारे में बात करें तो इसमें y कोऑर्डिनेट कितना है, a, x के प्लेस में b रख दें, tan अल्फा 1 माइनस b अपॉन r, ये हो जाएगा 2। अब इन दो इक्वेशंस को अगर देखेंगे तो बी ए का वैल्यू पता है, अननोन क्या है, एक तो अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना, और रेंज। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं, वन और टू को आपस में डिवाइड कर दूं, तो tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रेंज का इक्वेशन बच जाएगा क्या। मैं वन और टू को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, डिवाइडिंग वन एंड टू, वन और टू को आपस में डिवाइड कर दो, तो यहां पर क्या है, बी और यहां पर है ए। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इधर आ जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए, फिर यहां पर है ए यहां पर है बी, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी, ये टैन अल्फा, इसको थोड़ा अरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं ना, आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर, ऐसा लिख सकते हैं टैन अल्फा आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर, और यहां पर आ जाएगा टैन अल्फा आर माइनस बी डिवाइडेड बाई आर। अब अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स जानते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये टैन अल्फा से टैन अल्फा कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो डिविजन में आर है और ये जो डिविजन में आर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, b वाले टर्म को उधर भेज दो, a वाले टर्म को इधर भेज दो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो इक्वेशंस हैं वो कुछ ऐसे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू r माइनस a अपॉन r माइनस b, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर आर माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर माइनस ए। फिर से अगर आपको आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो एक टर्म हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू आर माइनस बी का क्यूब
इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का क्यूब। अब बस थोड़ा अरेंज कर दो आंसर आ जाएगा। ये ए स्क्वायर आर वाले टर्म को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर, और यहां पर आएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब बस यहां पर फॉर्मूला यूज कर लो, 9th-10th के जो फॉर्मूला है एलजेब्रा के वो यूज कर लेते हैं, हट जा यार। थोड़ा बहुत तो मैथ्स आना ही पड़ेगा यार फिजिक्स सीखने के लिए, अगर थोड़ा बहुत मैथ्स नहीं आता तो फिर कैसे सीख पाओगे। अच्छा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, बी माइनस ए बी प्लस ए, ऐसा कुछ भी नहीं यूज करूंगा ना जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। और अगर मैं कुछ यूज करूंगा जो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये यूज कर रहा हूँ। टाइम्स ऑफ आर, अब बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा बी माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब यहां से बी माइनस ए और यहां से बी माइनस ए कैंसिल कर दो तो रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी। ये रेंज का वैल्यू है जो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक बार रेंज का वैल्यू मिल गया, अगर एक बार रेंज का वैल्यू मिल गया तो हम टैन अल्फा भी निकाल सकते हैं। टैन अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, रेंज का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, रेंज का वैल्यू मेरे पास आ गया है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अगर मेरे को वैल्यू निकालना है अल्फा का तो मैं किसी एक इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ जो हमने डिराइव किया था। जैसे मेरे पास एक कोऑर्डिनेट था ए कॉमा बी, तो वाई के प्लेस मैंने रख दिया बी, एक्स के प्लेस में ए, यहाँ पर टैन अल्फा वन माइनस एक्स, और रेंज के प्लेस में ये पूरा टर्म, भारी सा टर्म जो है बी स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी को ऊपर भेज दिया इस तरह से। इसको सिंप्लीफाई करने से अब टैन अल्फा मिल जाएगा क्या, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। बी अपॉन ए इक्वल्स टू टैन अल्फा, ये पूरा एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए बी डिवाइडेड बाई है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब देखो कैंसिल क्या क्या होता है, प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रिमेन कर रहा है, बी स्क्वायर। मतलब जो मेरे पास आंसर आ रहा है, रेंज तो मैंने, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो हो रहा है बी अपॉन ए इक्वल्स टू टैन अल्फा है, यहाँ पर इधर आ जाएगा बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ये बी से ये स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो टैन अल्फा कितना आ जाएगा, टैन अल्फा का वैल्यू आ रहा है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। इसका मतलब अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, ये हमारे पास आंसर होगा। तो ये हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जब भी क्वेश्चंस इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री पे आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि सर इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री सॉल्व करना है, तो जब भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म से बात किया जाए तो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।